हेलो वेलकम एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव गौतम और आज मैं आपको इस पूरी वीडियो में ब्रीफ करने वाला हूँ कैसे हम पिंट्रेस्ट से डू फॉलो बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम उससे अनलिमिटेड ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं अपनी ब्लॉग वेबसाइट। अगर हमारे पास कोई भी ब्लॉग है, चाहे स्टेटस ब्लॉग हो, चाहे टेक्निकल ब्लॉग हो या चाहे लिरिक्स वेबसाइट्स का जो ब्लॉग हो, तो उसके लिए हम बैकलिंक कैसे क्रिएट करेंगे, मेरे बहुत सारे सेशन बैकलिंक्स के ऊपर बनाए हुए हैं। ऐसे तो बैकलिंक बहुत होते हैं लेकिन मैं जो बैकलिंक बताता हूँ वो एकदम डू फॉलो बैकलिंक होते हैं और ट्रैफिक अनलिमिटेड ट्रैफिक जनरेट आप कर सकते हैं। तो मेरी इस वीडियो के अंत तक बने रहें और मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आएगा। अगर मैं यार बैकलिंक बनाने के लिए कहूँ आपसे कि बुकमार्किंग होता है, क्लासिफाइड होता है, लिस्टिंग होते हैं, बहुत सारे बैकलिंक होते हैं जिससे आप लिंक बिल्डिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप एक एक बैकलिंक के बारे में बताता रहता हूँ, चाहे वो सोशल मीडिया वेबसाइट्स हों, चाहे वो फोरम्स की वेबसाइट्स हों या कोई आप ब्लॉगिंग वेबसाइट्स हो, के लिए मैं बैकलिंक बताता रहता हूँ। अगर किसी को भाई बहुत से मेरे पास मैसेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि सर मेरी वेबसाइट तो बन चुकी है लेकिन अभी तो कोई ट्रैफिक नहीं है। भाई वेबसाइट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, वेबसाइट तो बन जाएगी लेकिन उसके पास जो ऑडियंस ट्रैफिक आना वो बड़ी बात है। जब तक ट्रैफिक नहीं आएगा तो अर्निंग कैसे हो जाएगी, अर्निंग होगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। तो सबसे पहले मेन पॉइंट होता है कैसे बैकलिंक क्रिएट करना, और बैकलिंक भी ऐसा नहीं कि आपने कोई भी बैकलिंक बना दिया उसकी डीएपी भी अच्छी नहीं है, उसकी पेज रैंक भी अच्छी नहीं है। तो हर एक चीज़ का ध्यान रखते हुए हम वेबसाइट का बैकलिंक बनाते हैं ताकि हमारी कोई वेबसाइट स्पैमर में ना जाए और गूगल उसे पेनल्टी ना दे, उससे बस सभी चीज़ों से बचने के लिए हम एक डू फॉलो बैकलिंक क्रिएट करते हैं। और वो कैसे क्रिएट करते हैं ये मैं अपने जितने भी मेरी वीडियो हैं सब वीडियो में सेक्शन में मैं बताता रहता हूँ कैसे हम बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं, और बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूँ यार, कोई भी इतना तालजमेल नहीं होता है, बस सिंपल सीधा बताता हूँ कि ऐसे आप बैकलिंक आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। और जो मैं बैकलिंक कर रहा हूँ, मेरे बैकलिंक बताए हुए आप फॉलो करते रहेंगे ना, मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ कि आप आसानी से अपनी वेबसाइट पर बैकलिंक और अच्छे बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पिंटरेस्ट से कैसे बैकलिंक क्रिएट करना है करने वाला हूं। पर देख सकते हैं यहाँ पे अभी आपको गूगल सर्च करना है, गूगल सर्च करने के बाद आपको लिखना है पिंटरेस्ट। सर्च करने के बाद फर्स्टली जो लिंक आ रहा है उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जैसे कि मेरा ऑलरेडी इस पर अकाउंट बना हुआ, क्योंकि यार मैं काम करता रहता हूँ, ठीक है, आप नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं, फॉलोवर्स भी देख सकते हैं, मेरा सारा कुछ मैं इसमें बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सिंपल दैट कुछ नहीं करना, मैं तो पहले से लॉग आउट कर देता हूँ, ठीक है। लॉग आउट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे हम इस पर साइन अप करेंगे। तो सबसे पहले साइन अप करना है, आप अगर आप न्यू है, बिल्कुल नए हैं या आपका अकाउंट इस पर बना हुआ है तो उससे वो भी मेरे जान सकते हैं कैसे इस पर डू फॉलो बैकलिंक बना सकते हैं। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो भी आप आसानी से इस पर बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। देखिए दो इसमें ऑप्शन होते हैं, या तो फर्स्टली आप जो कंटिन्यू एज ए फेसबुक, ये तो फेसबुक से आप सबमिट कर सकते हैं, या फिर गूगल से जो आपकी जीमेल आईडी है उससे आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मेरी जीमेल आईडी पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरी जीमेल आईडी इसमें ऑलरेडी ओपन हुई हुई है, मतलब मैंने लॉगिन की हुई है, तो इस पर मैं क्लिक करने के बाद तुरंत ही अपने अकाउंट पर मूव कर जाऊंगा, ठीक है। मूव करने के बाद जैसे मैं क्लिक होगा तो मेरा अकाउंट ओपन हो पा जाएगा, जैसे मेरे अकाउंट आ गए, तो मैं जो आपका अकाउंट बनेगा उस पर आपको क्लिक करना है। और देखिए जब आप नए हैं तो आप साइन अप पे क्लिक करने के बाद जैसे अकाउंट क्रिएट कर देंगे, फिर उसके बाद आपको अपनी जीमेल अकाउंट पे जाना है, जीमेल अकाउंट पे जाने के बाद वहां से वेरीफाई करेंगे, ठीक है। वेरीफाई करने के बाद ही आपका कुछ होगा, तो इस टाइप में एक डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा पिंटरेस्ट का क्रिएट होने के बाद, जब आप उसे वेरिफिकेशन कर देंगे ईमेल आईडी से, ठीक है। तो इस टाइप का एक वेरिफिकेशन आ जाएगा, तो आप मेरे फॉलोअर देख सकते हैं, 50 फॉलोअर इसमें है, फॉलोइंग मैंने कम किया है। जो मेरी वेबसाइट है, ये मेरी वेबसाइट है, हिंदी ब्लॉग है, जहाँ पे मैं तमाम ब्लॉगिंग के बारे में लिखता रहता हूँ, कैसे हम ब्लॉग क्रिएट करते हैं, कैसे बैकलिंक क्रिएट करते हैं, कैसे उस पर ट्रैफिक, सारा कुछ इस वेबसाइट के मैं बताता रहता हूँ, ठीक है। तो हम चलते हैं पिंटरेस्ट पे। पिंटरेस्ट पे जाने के बाद आपको करना क्या होता है, इसमें तीन चीज होते हैं। फर्स्टली एक तो होता है बोर्ड, जो आप बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं, ये मेरा बोर्ड देख सकते हैं, मैं फेसबुक थॉट के बारे में एक बोर्ड बनाया हुआ है। इस बोर्ड के अंदर सेकंड होता है पिन करना, मतलब अपनी डिटेल वगैरह डालना, अपनी वेबसाइट की, अपनी फोटो, अपनी मतलब आप ब्लॉग अगर कोई सबमिट करते हैं यहाँ पे जाकर उसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरी सारी बोर्ड पड़े, प्लस का निशान है, इस पर क्लिक करके आप पिन कर सकते हैं, और यहाँ पे एक एडोन आप क्लिक करेंगे तो एक वेबसाइट का एडोन गेट आवर ब्राउजर बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका एक यहाँ पे पिंटरेस्ट का वो पिन आ जाएगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको बोर्ड बनाना सिखा देता हूँ, कैसे हम इस पर बोर्ड बना सकते हैं और कैसे इस पर डू फॉलो लिंक
बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको जैसे अपने वेबसाइट के ब्लॉगिंग पर क्लिक करना है तो यहाँ पे प्लस का निशान आया हुआ है, लिखा हुआ है क्रिएट ए बोर्ड और क्रिएट ए पिन। तो पहले बोर्ड क्रिएट कर लेंगे, बोर्ड क्रिएट करने के बाद आप बोर्ड पे कुछ भी नाम दे सकते हैं, जब आपकी वेबसाइट का नाम उससे भी दे सकते हैं, कुछ भी एनीथिंग एल्स कुछ भी रख सकते हैं आप। मैं सपोज दैट आपका रख लिया व्हाट्सएप थॉट, व्हाट्सएप स्टेटस लिख देता हूँ। ठीक है, ये व्हाट्सएप स्टेटस के नाम से मैंने एक बोर्ड क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद देखिए मेरा बोर्ड जो है ऑलरेडी क्रिएट हो गया। अभी बोल रहा कि व्हाट्सएप की कुछ आप पिन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मेरे 50 फॉलोअर इसमें आ गए। अब मुझे करना है पिन, तो प्लस पर क्लिक करने के बाद मैं ब्राउजर पर जाऊंगा। ब्राउजर पर जैसे मेरा ऑलरेडी इसमें कोई पिन का भी है नहीं, तो मेरा एक एक्सटेंशन मैं इसमें ऐड कर लूंगा। तो ये एक्सटेंशन ऐड होने के बाद करना कुछ नहीं है, सिंपल है यार बस। अब जैसे ये एक्सटेंशन ऐड हो गया, ठीक है, तो आपको रिफ्रेश करना है अपने पिंटरेस्ट अकाउंट को। पिंटरेस्ट अकाउंट को रिफ्रेश करने के बाद आपके स्टेप्स आएगा, फिर पिन लिखाएगा, पिन के बाद आएगा क्रिएट ए पिन। यहाँ पे क्रिएट ए पिन लिखेंगे तो आपका फर्स्टली टाइटल क्या है, ब्लॉग अगर आप डालना चाहते हैं, जैसे मेरा ब्लॉग है तो मैं यहाँ पे अपने टाइटल मतलब ये वेबसाइट का नाम हो गया। ठीक है, ये वेबसाइट का मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ और टाइटल लिख देता हूँ एस डिजिटल। ये मेरा टाइटल है, यहाँ पर मैं टाइटल लिख देता हूँ ए सी ई DIGITECH, ये मेरा ब्लॉग है। तो यहाँ पे मैं कोई भी इमेजेस वगैरह भी डाल सकता हूँ, अगर मेरे पास कुछ इमेजेस हैं तो मैं यहाँ पे इमेज वगैरह डाल सकता हूँ। और उसे जाके क्या करना है, बस कुछ नहीं, सिंपल दैट अगर आपके वेबसाइट का लिंक है तो वेबसाइट का लिंक भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको बस कुछ एक डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, अच्छा सा छोटा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखना होता है। तो ब्लॉग provides knowledge, ये something something else कुछ भी मतलब जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, एक अच्छा सा ब्लॉग। तो यहाँ पे जाके आपको सेव कर देना, और पिन का पहला बनाया हुआ था ऑलरेडी, एक बना हुआ था तो उसके बारे में भी, और जिस बोर्ड पे आपको डालना है वहां पे देख सकते हैं और सी करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ तक तो हो गया आपका पूरा काम कम्प्लीट। अब करना क्या है, अब जो डू फॉलो लिंक मिलेगा वो कैसे मिलेगा, तो आपको सीधा कहीं नहीं जाना, आपको एडिट सेटिंग में जाना है। एडिट सेटिंग में जाने के बाद फर्स्टली आपको क्लेम लिखा हुआ होगा, क्लेम लिखा हुआ होगा, क्लेम में आप जो मेरी वेबसाइट है, जैसे मेरी वेबसाइट है एच डी डेट, तो मैंने इस पर क्लिक किया हुआ ऑलरेडी क्लेम। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपका, यहाँ पे अपना ब्लॉग डाल देना है, ब्लॉग डालने के बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद उसका एक कोड आएगा, कोड जैसे बोल सकते हैं एचटीएमएल कोड आएगा। एचटीएमएल कोड को आपको कुछ नहीं करना, अपनी वेबसाइट का जो हेडर है, जो वेबसाइट के जो हेडर होता है, इस हेडर में आपको पेस्ट कर देना है, कुछ नहीं है। अगर आपके पास कुछ मतलब कोडिंग वगैरह का पार्ट होगा तो वो उसमें जाकर पेस्ट कर देना और देख सकते हैं। फिर आपको मतलब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा, अगर ये मेरा पिंटरेस्ट का है अकाउंट, जैसे मैं आपको फर्स्टली अकाउंट दिखा देता हूँ यहाँ पे जाके व्यू पर, और ये मेरी ईमेल आईडी आ रही है यहाँ पे, वेरीफाइड लिखा हुआ आ रहा है। कंट्रोल यू करके मैं अगर सोर्स करूंगा तो यहाँ पे लिखूंगा डू फॉलो, लेकिन नो फॉलो में क्लिक कर रहा हूँ तो कोई नो फॉलो नहीं है, मतलब कोई मैं ऑब्वियसली डू फॉलो ही है। अगर यहाँ पर कोई नो फॉलो लिखने के बाद आ जाता है 1 या 2 तो इसका मतलब मुझे नो फॉलो लिंक मिला है। अगर यहाँ पर लिखने के बाद मुझे नो फॉलो लिख रहा हूँ और मेरे पास नो फॉलो लिख रहा हूँ तो यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है, 0-0 आ रहा है, तो इसका मतलब मुझे डू फॉलो इसने पिंटरेस्ट ने लिंक दिया। और उसके बाद जो ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर आएगा ना भाई, जेन्युइन ट्रैफिक होगा और जबरदस्त ट्रैफिक होगा। मैं तो उम्मीद करूंगा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करोगे तो यार मैं नए नए वीडियो, चाहे लिरिक्स की वेबसाइट हो, स्टेटस वेबसाइट हो, कोई भी वेबसाइट हो, वन बाय वन कैसे हम बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं वो बताता रहूंगा।